नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू ओन चैनल वेल्थ सागा जैसा कि आप थंबनेल देख करके आए हैं कि हम लोग एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं तो हम लोग एक्चुअली में मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं लेकिन उससे पहले एक अटेंशन आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स एच बैंक क्योंकि इससे उस स्टॉक के बीच में कुछ रिलेशन जुड़ा हुआ है एच बैंक में रिसेंटली आर ने उनके ऊपर इनकारो इन लगाया है कि दे कैन नॉट एक्सटेंड देयर डिजिटाइजेशन एक्सपेंशन क्योंकि उनके पास सर्विसेस डिफॉल्ट सर्विसेज आउटेज की काफी सारी प्रॉब्लम सर्विसेज आउटेज मतलब ऐप का हैंग कर जाना वेबसाइट का काफी समय तक ना चलना ये सारा का सारा डिजिटल बिजनेस में एच बैंक को अभी रिसेंट कुछ महीनों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई है जिसके चलते उनके कस्टमर्स को उनकी सर्विसेज से काफी प्रॉब्लम हुई है जिसके चलते डिस्पाइट नंबर वन बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इनके ऊपर ये लगाया है कि दे विल नॉट बी इशूइंग एनी फर्दर क्रेडिट दे विल नॉट बी यू नो एक्सपेंडिंग दियर डिजिटाइजेशन बिजनेस जब तक कि अपने प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सुधार नहीं लेते सो so, दोस्तों उस मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपके दिमाग में ये चीज़ ड्रिल कर देना चाहता हूँ कि इस समय नॉट ओनली गवर्नमेंट बट नॉट ओनली कस्टमर्स बट आल्सो गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं दो सर्विसेज हैव टू बी टॉप क्लास अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है कि आप सर्विसेज टॉप क्लास प्रोवाइड नहीं करेंगे और यू नो नो बडी विल टेक कॉग्निजेंस अगर आप सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि आपके एक्सपेंशन प्लान को वहीं पर रोक दिया जाए

यू विल फाइंड कि जितना थॉटिंग प्रोवोकिंग कॉन्टेंट हमारे पास है आई थिंक हर जगह आपको प्रॉब्लम में और मे नॉट गेट सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लैस बेगैन दोस्तों अगर बैंकिंग सेक्टर में हमें आगे जाना है जो कि गवर्नमेंट की, की पॉलिसीज़ चल रही हैं तो उसमें डिजिटाइजेशन को बहुत स्ट्रेंदन करना पड़ेगा अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा और रिटेल बैंकिंग पे फोकस करना पड़ेगा तभी आप बैंकिंग सेक्टर के उस पर्टिकुलर कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं क्योंकि आजकल रियल कॉम्पिटिशन का है रियल कॉम्पिटिशन इज वेयर देयर आर बेटर सर्विसेज फोकस इज मोर ऑन बेटर सर्विसेज एंड द लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी इज दैट वी शुड बी एबल टू हैव एफिशियट प्लेटफॉर्म एक एफिशिएंट हो, इंपॉर्टेंट हो, हो, you know, हैं अगर आप सर्विसेज स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर की सर्विसेज में अगर आप काम करते हैं ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और जिस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूं उनके मैनेजमेंट ने बोला है कि आर वेरी कॉन्फिडेंट कि 2023 तक 2023 तक वो अपनी लाइबिलिटीज बिजनेस को डबल कर लेंगे दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में लाइबिलिटीज भी एसेट होता है लाइबिलिटीज़ मींस बैंकिंग सेक्टर में लाइबिलिटी को आप गलत मत समझे अब लैबिलिटीज मीन जो भी उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं जो उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं उनको लाइवलिटीज बोला जाता है क्यों क्योंकि वो उनके ऊपर लाइबिलिटी है कि उसको उनको रीपे करना है तो बैंक से पास जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं दे आर गोइंग टू बी डबल्ड बाय टू इट्स अ ग्रेट ग्रेट साइन और उनका यह भी मानना है जिस स्टॉक के बारे में बातचीत करना जा रहा हूं कि दे विल बी एबल टू डबल रिटेल एसेट बिजनेस मतलब रिटेल में जो लोन का पोर्टफोलियो है उसको भी डबल करने वाले हैं डबल द एसएमई बिजनेस तो ओवरऑल जो मार्केट में उनकी पोजीशन है उसको टू थ्री दैट इज विद्री इन पोजीशन को डबल करने का प्लान कर रहे हैं थ्रू रिटेल एसेट रिटेल एबिलिटीज थ्रू एसेट क्रिएशन थ्रू एस बिजनेस तो ये जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है पूरा का पूरा रिवैम्प हो रहा है बेस्ड ऑन सॉलिड फंडामेंटल्स ऑफ बेटर सर्विसेज दोस्तों मैं कंपनी का नाम आपको जानबूझ कर नहीं बता रहा हूँ ताकि आप एक अनबायस्ड व्यू रखें उस कंपनी की तरफ कि आपको उस कंपनी इस अभी इन फंडामेंटल्स को सोच करके क्या लग रहा है लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि जैसे ही आपको उसके उस कंपनी का नाम बताया जाएगा आपका आपका एकदम हो सकता है रुख चेंज हो जाए अगर हम लोग बात करें कंपनी के कासा की वो है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज ग्रेट अगर हम लोग बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की वो भी आ रही है ओके कॉस्ट टू इनकम इज ऑल्सो गुड अगर हम लोग बात करें आर ओ ई और आर ओ सी की तो ये है वो सबसे बड़ा कारण जिस कारण ये स्टॉक धूल चाट रहा है प्रॉफिट ग्रोथ माइनस सिक्सटी टू पॉइंट नाइन एट परसेंट अगर हम लोग बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की तो प्रोमोटर होल्डिंग भी बिल्कुल पूरी तरह से शार्टर्ड है एंड इट इज जस्ट वन पॉइंट फोर टू परसेंट लेकिन अगर हम लोग प्रमोटर्स को हटा दें तो अगर हम लोग बात करें एफ़ की तो एफ़ की पोजीशन इसमें ज़्यादा बनी नहीं हुई है डी आई आईज़ अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी परसेंट इन्वेस्टेड हैं मतलब जो डी आई आईज़ हैं जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो बड़े बड़े इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं वो सारे के सारे इसमें बुरी तरह से मतलब बुरी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत हैविली इन्वेस्टेड हैं पब्लिक का पैसा अप्रोक्सीमेली ट्वेंटी है अब तक तो आई एम श्योर यू आप समझ गए होंगे मैं किस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूँ जी हाँ दोस्तों मैं यस yes बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे उनके ग्लोबल हेड रिटेल बैंकिंग की उन्होंने बोला है कि यस बैंक एम्स टू डबल एंटायर रिटेल एसेट एंड लेबिलिटीज बाय 2023 और रिसेंटली उसमें पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बातचीत करें तो फिलहाल प्रेजेंटली एज ऑन डेट ऐसा कहा जा रहा है कि फिलहाल यस बैंक इज पॉइज ज रेडी टू बी इंक्लूडेड टूवर्ड्स लार्ज कैप लिस्ट मतलब अपनी जो भी मिड कैप की लिस्ट है उसे लार्ज कैप की कैटेगरी में जाने वाला है और एम की रिसेंट लिस्ट में हो सकता है उसको लार्ज कैप कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में डाला जाए क्योंकि वो यस बैंक यस बैंक होल्ड्स एट्टी एट्थ रैंक इन द इंडियन स्टॉक मार्केट तो अगर टॉप हंड्रेड स्टॉक जो कि इस समय धूल में पड़ा हुआ है जिसके एक्सपेंशन प्लान जिसके यू uh, नो you know, जिसकी इंप्रूवमेंट आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रही है मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आपको हायर रिवॉर्ड और लेसर रिस्क मुझे ऐसा लगता है दिखेगा प्रोवाइडेड यू शुड हैव द दपेबिलिटी टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर थ्री ईयर्स दोस्तों ये वो स्टॉक है जिसने पिछले तीन सालों में ये इसनो, ये ये स्टॉक जो कि चार सौ रुपए

स्टॉक में ऑलरेडी सारी नेगेटिविटी फैक्टर इन हो चुकी है वर्स्ट इज ओवर अब इस स्टॉक में कुछ भी नेगेटिव होने को रह नहीं गया है तो ये चीज आपको मैं नहीं बोल रहा आप इसके चार्ट पर देखिए यू विल फाइंड आउट इन मंथ्स विच इज गॉन नेगेटिव इन दिस स्टॉक एज फार एज प्राइस इज कंसर्न उसका रीजन क्या है कि ऑलरेडी इसके अंदर जो डैमेज होना था वो हो गया अब सीधे सीधे इंप्रूवमेंट होना शुरू होगा और दिखाई पड़ेगा और वो आप पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस से देख सकते हैं स्टॉक इज ऑलरेडी ट्वेंटी परसेंट सेक्टर इज फोर्टीन परसेंट होना चाहिए निफ्टी बैंक पिछले एक महीने में काफी तेजी से भागा है और पिछले तेजी से भाग पूरे सेक्टर के भागने में फोर्टीन का रोल है हैज रेजेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट और सेंसेक्स हैज इलेवन परसेंट अभी काफी सारे लोग जो कि व्यूअर्स हैं और उनको लग रहा होगा कि सर येस बैंक रिकमेंड कर रहे हैं दिस इज नॉट राइट दिस इज रॉन्ग बिल्कुल सही कह रहे हैं आप येस yes, बैंक को चूज करने के लिए आपको हाई रिस्क रखना पड़ेगा बट एट द सेम टाइम जो रिवॉर्ड आपको इसमें मिल सकता है आफ्टर यू इन्वेस्ट फॉर थ्री फोर ईयर्स मेरे हिसाब से दैट इज अनमैचेबल दोस्तों मेरा काम है आपको दोनों पहलू दिखाना अब अब मैं अगर इस स्टॉक के बारे में लिमिटेशन के बारे में बात करूँ क्या लिमिटेशन स्टॉक की दोस्तों स्टॉक का जो नेट एन है वो बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर थ्री लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें इसके प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं कासा ग्रोथ गिरा है विच इज लो बट एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें पिछले साल के कंपेरिजन में प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी हैं सेवेंटी फाइव परसेंट प्राइस ड्रॉप कर चुका है बिकॉज ऑफ रॉन्ग डूइंग्स ऑफ देयर प्रमोटर्स अब प्रमोटर्स की गलती के चलते स्टॉक में जो भी गलत हुआ है उसका उसका खामियाजा स्टॉक को भुगतना पड़ा है और स्टॉक ऑलरेडी प्राइस इन हो कर चुका है ये सारी के सारी निगेटिव कंपनी का जो आर है माइनस परसेंट है इन ओवर द लास्ट थ्री ईयर्स अगर एनपीएस के बारे में बात करें हाई एनपीए है एवरेज एनपीए एवरेज एनपीए इज ऑल्सो वेरी हाई इन लास्ट थ्री ईयर्स लेकिन अब ये सारी चीजें धीरे धीरे सुधरने को हैं क्योंकि गवर्नमेंट और आर का फोकस इस बैंक में डायरेक्टली पड़ गया था इसीलिए सभी दिग्गज बैंकों ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और इस बैंक को दोबारा खड़ा करने के लिए एक नई मुहिम जारी की गई और उसके चलते दोस्तों अब इस बैंक में स्ट्रॉन्ग फुटिंग दिखाई पड़ रही है और अभी जो रिसेंटली क्वार्टर टू के रिजल्ट आए थे उस क्वार्टर टू के रिजल्ट में बेटर देन एक्सपेक्टेशन यस बैंक ने पोस्ट किए थे अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फिगर्स पे लेकर के जाऊंगा तो आपको आई एम श्योर पसंद आएगा जो मैं आपको डेटा यू नो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ येस बैंक कोई मेरा बैंक नहीं है येस बैंक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ एज ऑन डेट मैं आपको बता दे देना चाहता हूँ दोस्तों आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन येस बैंक लेकिन जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप येस yes, बैंक के इंटरेस्ट के बारे में बात करें जो येस बैंक इंटरेस्ट अर्न कर रहा है फ्रॉम इट्स एसेट्स विच हैज़ बिन गेवन यू नो जो इसने एसेट्स क्रिएट कर रखे हैं लोन्स क्रिएट कर रखे हैं उससे आप इंटरेस्ट अगर आप ट्वेंटी थाउजेंड टू सिक्सटी सेवन दो हजार अठारह में मार्च दो हजार उन्नीस में ट्वेंटी फोर मार्च दो हजार बीस में छब्बीस हजार से ज्यादा का इंटरेस्ट छब्बीस हजार करोड़ आर इन करोड़ उसने शानदार इंटरेस्ट अर्न किया है। अगर आप बात करें अदर इनकम की तो अदर इनकम भी 2018 में 5, 19 में 4500, 2020 में 11000 से भी ज़्यादा तो नुकसान कहाँ पे हो रहा है प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है प्रॉब्लम हो रही है प्रोविजनिंग में दोस्तों जो बैड लोन्स जो खराब लोन्स उल्टे सीधे जगह पर उल्टी सीधी कंपनीज़ को जो पुराने प्रमोटर्स ने लोन दे रखे थे उन बैड लोन्स के लिए पैसे को निकालने के लिए उन बैड लोन्स के पैसे को यू नो रेगुलराइज करने के लिए जो प्रोविजन्स करने पड़े वो बढ़ के हो गए आप देखिए यू नो ऑलमोस्ट सिक्स से हर साल बढ़ रहे हैं सेवन थ्री वन फाइव फाइव थ्री फाइव ट्रिपल सेवन उसके थर्टी टू थाउजेंड प्लस सो ये वो रीजन है दोस्तों जिस कारण इसने लॉस पोस्ट किए हैं इन प्रीवियस फ्यू ईयर्स और दोस्तों प्रीवियस फ्यू क्वार्टर्स एंड दिस इज द रीजन वाई द स्टॉक हैज फॉलन फ्रॉम ऑलमोस्ट फोर हंड्रेड लेवल्स प्लस टू ऑलमोस्ट फिफ्टीन रुपीज विच इज एट प्रेजेंट लेकिन दोस्तों ये जो प्रमोटर्स थे जिन्होंने अपनी रॉन्ग डूइंग्स के चलते बैंक का ये हाल किया उनकी प्रमोटर होल्डिंग भी ऑलमोस्ट अब नील हो गई है एज कम्पेयर टू मार्च 2019 थाउजेंड टू मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी की अगर डेटा के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट प्रमोटर होल्डिंग इज नल तो अभी जो पूरा का पूरा बैंक का कंट्रोल है वो बड़े दिग्गज बैंक्स एस बी आई और बेसिकली डी आई के ऊपर है ओवरऑल बैंक इज़ प्रेजेंटली इन वेरी वेरी स्ट्रांग हैंड्स और अभी जो उसका उसका फोकस लग रहा है इट इज़ टूवर्ड्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ विच इज़ विजिबल ऑन दी स्टॉक प्राइस एज वेल अभी एक रीसेंट पॉजिटिव न्यूज़ यस बैंक में ये भी है कि उसका जो सर्किट फिल्टर है जो कि अभी तक 5 परसेंट था उसको बढ़ा करके 10 परसेंट कर दिया गया है टू द बेस्ट ऑफ अ नॉलेज और दोस्तों ये एक पॉजिटिव खबर है ऐसे में अगर दोस्तों येस yes बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों रिस्की बेट है देर इज़ नो डाउट अबाउट इट बट मेरे हिसाब से देर इज़ हार्डली एनी टू लूज़ इन येस बैंक एज ऑन डेट प्रोवाइडेड योर होराइजन इज़ लॉन्ग टर्म अगर आप इस बैंक में लॉन्ग टर्म पॉस्पेक्टिव से यू नो इन्वेस्ट करना चाहते हैं देर इज हार्डली एनी टू लूज़ और ये स्टॉक का एक बहुत ही सॉलिड लेवल है साढ़े बारह रुपए जहां से इसने अभी रिसेंटली जंप करना शुरू किया और अभी फोर्टीन पॉइंट टू से अभी रिसेंटली दिस स्टॉक हैज रिजन ऑलमोस्ट फिफ्टीन रुपीज इन केस इफ यू हैव द टेकिंग केपेबिलिटी मेरे हिसाब से येस बैंक में आप निवेश कर सकते हैं लेकिन तीन साल से पहले स्टॉक को अगर आप ट्रैक करेंगे देखेंगे तो दोस्तों इस स्टॉक में आपको वो बेनिफिट और वो 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 बेनिफिट नहीं मिलेगा हो सकता है येस बैंक यहाँ से डबल हो जाए मे बी इन सिक्स मंथ मे बी इन वन ईयर लेकिन दोस्तों तीन साल का समय आपको येस बैंक को देना पड़ेगा इन केस इफ़ यू वॉन्ट कि ये बैंक बिल्कुल सही फुटिंग पे आ करके और काम करना शुरू करे यू विल एक्चुअली हैव टू गिव यस बैंक थ्री इयर्स और उसके बाद ये स्टॉक आपको मल्टी बैकर रिटर्न देने की क्षमता रखता है गारंटी तो दोस्तों इस दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है लेकिन जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स में चेंज आ रहा है आई थिंक इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और इसी कारण देखिए दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 48.8 परसेंट के स्टॉक की डिलीवरी हुई है जिसका मतलब क्या है जिसका मतलब यह है कि ऑल दो स्टॉक प्राइस नहीं भागा लेकिन डिलीवरी हुई है मतलब लोग इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं जो भी बायर्स ट्रेडर्स हैं उस स्टॉक को इन्वेस्ट करके अपने पास अपने होल्डिंग्स में रख रहे हैं ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों मुझे कॉमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा वट इज़ योर व्यू ऑन येस बैंक प्लीज डू लेट मीन इन द कॉमेंट सेक्शन बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि व्हाट इज़ योर व्यू And how do you consider, yes bank, whether you consider uh, this bank worth investing? आपको लगता है कि ये इसमें पैसा डालना इज़ लाइक गैमलिंग और लॉटरी और वॉट डू थिंक डू लेट मीन ऑन द कॉमेंट सेक्शन आपके व्यूज आपके ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मेरे लिए आई डोंट नो बाकी यू uh, नो you know, बाकी चैनल्स या बाकी जगह पर आपने ओपिनियंस को ड्रॉप करते हैं हाउ डू दे कंसिडर बट आई डेफिनेटली कंसिडर दू कंसिडर योर ओपिनियन एंड फर्म एंड फर्मली बिलीव कि वॉट यू आर सिंग इज़ एक्चुअली इट मैटर्स फॉर अस सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन वट डू थिंक अबाउट यस बैंक एंड दस वॉर फ्रॉम माई सेर फ्रेंड्स आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी इन केस येस smash the like button and share with your friends. I think they may also get benefited. Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.